भागी है सर। कहना कि बच्ची समझकर जीतने दिया। बच्ची तो तू आई। जीतने तो मैं किसी को ना दूँ इस गेम में। और तेरा भाई है ना, मिलिट्री में कर्नल भी बन जाए ना, तो घर में तो ब्रिगेडियर मैं ही हूँ और हमेशा रहूँगा। इस गेम में मुझे कोई नहीं रास्ता ये। डैड। जा दरवाजा खोल। नहीं, डैड, 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 मॉम है ना? अरे मॉम तो गई है किसी बात। जा खोल ना। डैड डैड प्लीज आप खोल दो ना, प्लीज प्लीज। पर ठीक है, लेकिन पॉज, चीटिंग नहीं है, पॉज। ओके ओके ओके, डन। देखो बेटा, कौन मिलने आया तुमसे? मुझसे कौन? याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? नहीं, अगर तुम्हारा एक्सक्यूज झूठा निकला तो मैं तुम्हारे भाइयों और उसके साथियों का वो हश्र करूंगा कि जहन्नुम के फरिश्ते भी काम आएंगे। इन दोनों को ढूंढता रहा और ये दोनों यहां है।
करेक्ट हुड्डा रिपोर्टिंग सर। आप ये नहीं कर सकते, आई वोंट अलाउ यू। डॉक्टर तुम ये भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। आई नो दैट सर, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मैं हूँ। और मैं इस एकेडमी का प्रिंसिपल। सर, कैडेट नैना सिंह हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड। सिपाही खून बहाने से नहीं कतराते डॉक्टर। सर, ये कोई जंग तो नहीं है। ये एक जंग ही है डॉक्टर। किसकी सर? आपकी अपनी स्टूडेंट्स के साथ? जैसे ही कैडेट सिंह की ड्रेसिंग हो जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। सर प्लीज, कैडेट नैना सिंह की चोट मामूली नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस वुंड। और जो घाव मुझे और मेरी एकेडमी को लगा है ना डॉक्टर, वो भी मामूली नहीं है। इस एकेडमी का डिसिप्लिन मेरी इज्जत से बढ़कर है। हमारी एकेडमी के कुछ उसूल हैं, कुछ नियम हैं, जिनका हमने सदैव पालन किया है। और यही वजह है कि कोई आज तक हमारी एकेडमी पर उंगली नहीं उठा पाया। कैप्टन नवीन सिंह आहलूवालिया का इस एकेडमी से होना सिर्फ एक दुर्घटना थी। साहब क्या करना चाहते हैं? कैडेट नैना सिंह और उसके बैचमेट्स को याद दिलाना चाहता हूं कि एक सिपाही के लिए नियमों का पालन करना उसका धर्म होता है। मैं किसी को भी इस एकेडमी के नियमों के साथ नहीं खेलने दूंगा, फिर चाहे वो कैप्टन राजवीर को ढूंढने का बहाना ही क्यों ना हो। सर प्लीज, सिर्फ कैडेट नैना सिंह को ठीक होने दीजिए, बस। मैं कैडेट्स को उनकी सफाई पेश करने का, अपने एक्शंस को डिफेंड करने का एक मौका जरूर दूंगा, और वो सुनवाई होगी ठीक 1600 आसपास। तब तक आपकी कैडेट सिंह ठीक हो सकती है। गाइस, यहां बैठे हो, गेस व्हाट, नीलू का झूठ पकड़ा गया है और बीसी मेरे घर पहुंच गया, और वो हम सबको पनिश करने वाला है। फिर से उसका जी नहीं भरा क्या? कोई मामूली पनिशमेंट नहीं है, ये 7 डेडली पनिशमेंट्स में से एक है। और पहली वो उल्टी दुनिया सजा, और दूसरी पाताल कुआ जो हम भुगत चुके हैं। राइट, और तीसरी? तुम सुनना भी नहीं चाहोगी पूजा, एक से बढ़कर एक डरावनी पनिशमेंट है। ये सुनकर तो मेरी बैटरी डाउन हो गई, अब तो ना इनकमिंग रहेगा ना आउटगोइंग। लगता है इस एकेडमी से मेरा कनेक्शन ही कटने वाला है। नो यूज पूजा, नैना को इस हालत में भी बीसी पनिश करने वाले हैं। अपुन तो कहते हैं अपुन उस बीसी का ही। तू एक काम कर, उस बीसी का सिग्नल ही कट कर दे, यही सही होगा। आप सिग्नल काट भी देंगे तो क्या होगा, वो सिकंदर है ना उनके, वो ये काम कर देंगे। मेजर नायर। वो सिकंदर नहीं है, छछुंदर है, छछुंदर। बाय द वे, एक अच्छी बात सुना, वो छुचुंदर है ना, अपनी नैना ने उसका सिग्नल एक बार जाम कर दिया था। ये हुई ना बात, इसी बात पे नैना को मेरी तरफ से लाइफ टाइम कनेक्शन फ्री। ए, 3 चीयर्स फॉर नैना। हिप 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 हिप। ओए कमीनो, हुड्डा के लिए भी एक बार चीयर कर दो यार, मैं भी तो था इसके साथ। इसलिए तो तू वापस आ गया हुड्डा, अगर तू अकेला होता ना तो टेरेस तुझे उठाकर अपने साथ ले जाते। अच्छा, कैसे? क्योंकि आप कभी कभी उन्हें के समान लगते हैं ना। वैसे नैना, तूने कैप्टन राजवीर को देखा क्या? हाँ, एक पल के लिए, लेकिन फिर वो I hope you're safe now. अरे क्यों नहीं होंगे फूलन, तूने टाइम पे वॉर्न जो किया था उन्हें। हुड्डा प्लीज, मुझे उस टाइम पर समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था क्या सही था या क्या गलत। ले यार, इसकी ना आदत है, अपने आप को कभी सही समझती नहीं है। अबे इसे तो जंगल में देखना चाहिए था, जब वो टेररिस्ट वहां बंदूकें चला रहे थे ना, तभी हमारी फूलन, मेरा मतलब है मेरी फूलन, अरे गला फाड़ फाड़ कर चला रही थी। एक को वहां धक्का दिया, एक को उधर दिया, और तो और अपना बैग जला कर भी फेंक दिया उन पर। वाओ,
स्मार्ट थिंकिंग है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ हमारी फूलन को मेडल मिलना चाहिए, वो भी प्रेसिडेंट से। और क्या क्या हुआ जंगल में? वैसे मेरे ख्याल से तो नैना तूने किसी की बंदूक छीनकर उसे भून देना चाहिए था। आप भी ना पूजा। क्या? ओके गाइस, चिल चिल, वो कहीं भी शुरू हो जाता है, चुप करो। अरे अगर हमारी फूलन थकी नहीं होती ना, तब तू बोलती उसे, वो भी करके दिखा देती। क्या क्या नहीं किया इसने कल रात को, मुझे आई लव यू तक कह दिया। क्या तेरी प्रॉब्लम क्या है हुडा? जब मैं कैप्टन राजवीर तक पहुंचना चाहती थी तो मुझे बार बार मिसगाइड कर रहा था, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, है ना? अच्छा फूलन, तो मेजर नायर से किसने बचाया था तुझे? हाँ? तूने। लेकिन क्या जब मैं कैप्टन राजवीर को बार बार मिलने जा रही थी तो तूने मुझे मिसगाइड किया? तूने मुझे ये भी नहीं बताया कि कल मेजर नायर का जब तुझे फोन आया था तो उन्होंने क्या बात करी। हुडा मैं नहीं जानती कि तू क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ, पर अगर कैप्टन राजवीर को कुछ हो गया ना, अरे फुलन, ए शाने, तू रुक, तुझे इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्या? अबे ओए, इस एकेडमी में क्या, इस दुनिया में भी सिवाय नैना के और किसी को हुडा से जवाब लेने का हक नहीं है, समझा? तुझे तो मैं समझा के रहूंगा शाने। मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब सुनना चाहता हूं। कैडेट हुडा, इस रिपोर्ट में जो लिखा है क्या वो सच है? यस सर। कैडेट सिंह, एकेडमी से बाहर रहने के लिए तुम्हारे पास क्या बहाना है? बहाना नहीं है सर, मैंने कैप्टन राजवीर को देखा है, कैप्टन राजवीर जिंदा है सर। सर मैंने वहाँ पे आम टेररिस्ट को भी देखा था, उन्होंने राजवीर सर के ऊपर अटैक किया है सर, और मैं जानती भी नहीं कि राजवीर सर बच पाए या नहीं। लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ सर कि अगर हमने सही वक्त पर रेस्क्यू मिशन भेजा होता तो आज कैप्टन राजवीर तो क्या कैप्टन राजवीर बच गए होते? कैडेट सिंह, क्या पता रात के अंधेरे में तुमने कैप्टन राजवीर को देखा या किसी और को? मैं सही कह रही हूँ सर, मैंने कैप्टन राजवीर को ही देखा है, और उस वक्त मैंने कोशिश भी करी थी टेररिस्ट को, लेकिन तुम खुद घायल हो गए। मेजर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कहो रेंजर्स को भेजकर छानबीन करवा लो। सर आप कैडेट सिंह के बकवास पर विश्वास कर रहे हैं? मेजर, जंगल में जरूर गैर कानूनी शिकारी घुस आए हैं, उन्हें पकड़ना भी तो जरूरी है। मैं समझा नहीं सर। कैडेट सिंह ने जो जंगल में देखा उससे ना तो कैप्टन राजवीर और ना ही किसी टेररिस्ट का कोई ताल्लुक है। ये हो ना हो जरूर शिकारियों का ही माफिया है। कैडेट्स, तुम दोनों और तुम्हारे बाकी के बैचमेट्स को सजा जरूर मिलेगी, जिसका अनाउंसमेंट बाद में असेंबली में किया जाएगा। मेजर, तुम रिपोर्ट तैयार करोगे। सर, आज की कार्रवाई खत्म होती है। कैडेट्स, डिसमिस। नो सर, आई विल नॉट बी डिसमिस सो इजीली सर। मैंने आपको कहा था कि कैप्टन राजवीर के पास मुझे जाने दीजिए, तो आपने मुझे मना कर दिया था। सर, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि कैप्टन राजवीर जिंदा है, मुझे पता है, मैं उन्हें देखकर आई हूँ सर, और अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो अब उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। और सर आपको क्या लगता है कि आप इस बात को चार दीवारी के बीच में छुपा कर रखेंगे? नहीं सर, मैं ये होने ही नहीं दूंगी। और
और ये कैडेट नैना सिंह का वादा है। लोकेशन WSL 15, पोजीशन रेड वन, लोकेशन फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.